Hi guys, welcome or welcome back to my channel. This is Ragni. Hope you are doing well. तो आप सभी को हैप्पी दिवाली मेरी तरफ से, आप और आपके पूरे फैमिली को हैप्पी दिवाली. सो गाइज, ये मेकअप, जैसे कि आपको पता ही चल गया होगा, ये मेकअप ट्यूटोरियल जो है स्पेशली दीपावली के लिए. एंड गाइज, छठ पूजा, बहुत सारे वेडिंग सीजन आ रहा है, तो आप किसी पे भी क्रिएट कर सकते हैं. बहुत सिंपल और ईजी है गाइज, आप इजिली घर पर कर सकते हैं. तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं. बट गाइज, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जरूर लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को. अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, बिकॉज इट्स फ्री गाइज. और मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप कमेंट करेंगे तो. मैं वैसे, मैं आपको पहले बता दूँ, मैं कोई प्रोफेशनल मेकअप मुझे नहीं आता, बट मुझे जो आता है मैं जो खुद पे करती हूँ इन वीडियोज़ वगैरह देख के, वो जो सीखी हूँ मैं वो शेयर कर रही हूँ. बट अगर आपको कुछ लगता है कि मैंने कहीं मिस्टेक किया तो आप जरूर कमेंट करके बता सकते हैं. विदाउट वेस्टिंग योर टाइम हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले गाइस, आपको अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लेना है, फेस वॉश लगा के या क्लींजिंग करके. रॉ मिल्क से जो क्लींजिंग करती है वो बहुत ही बेस्ट है आपके फेस के लिए भी, और अगर आप डेली करती हैं रॉ मिल्क से तो बहुत ही अच्छा रहेगा आपका. उससे स्किन जो है, फेस है, वो भी अच्छे से शाइनिंग करेगा, और जो भी डार्क स्पॉट वगैरह रहता है वो भी कम हो जाता है. तो मैं यहाँ अपने फेस को पहले अच्छे से, फेस एंड लिप को क्लीन कर ले रही हूँ एक वाइप से. जैसे कि आप देख सकते हैं, जितना भी कुछ भी अगर मेरे फेस में है वो क्लीन हो गया. देख सकते हैं आप कितना गंदा है. एंड जो नेक्स्ट स्टेप है वो है, नेक्स्ट स्टेप मैं यूज़ कर रही हूँ सीरम. आप टोनर भी यूज़ कर सकती हैं, बट मैं अभी यूज़ कर रही हूँ सीरम. अगर आपके पास टोनर सीरम नहीं है तो आप टोनर नहीं है तो आप सीरम भी यूज़ कर सकती हैं. वो भी फेस को अच्छे से, हमारे जो ओपन पोर होता है उसे डिफाइन करता है, और उसके बाद हम जो भी प्रोडक्ट लगाते हैं वो अच्छे से हमारे फेस में ऑब्जर्व हो जाता है. जैसे कि आप देख सकते हैं, सीरम लगाने से फेस में शाइनिंग आ जाता है और बहुत अच्छा ग्लो भी आ जाता है. तो आप सीरम ज़रूर यूज़ कीजिए. नाइट में सीरम लगा के सोएंगे तो स्किन बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगा और हमारे फेस में ग्लो भी आ जाएगा. एंड जो नेक्स्ट स्टेप है वो है, आप मॉइस्चराइजर यूज़ कर सकती हैं. आप अपने फेस के अकॉर्डिंग कोई भी मॉइस्चराइजर जो आपके वो स्किन को सूट करता है वो यूज़ कर सकती हैं. मैं यहाँ पर लोटस को यूज़ की हूँ. उसे अच्छे से फेस और नेक दोनों पे लगाइएगा. जो भी प्रोडक्ट आप यूज़ कर रही हैं ना, वो फेस के साथ नेक पे जरूर यूज़ कीजिएगा, नेक एंड ईयर. बिकॉज हमारा अगर फेस शाइन करेगा और नेक एंड ईयर अगर डल रहता है तो भी हमें अच्छा नहीं लगेगा, मतलब लोगों को पता चल जाएगा कि आप मेकअप ज़्यादा किए हो. एंड गाइज, अब मैं यूज़ कर रही हूँ फिटमी का प्राइमर. जैसे कि आप देख सकते हैं, ये लिक्विड फॉर्मेट में है बट जेल फॉर्मेट में है. प्राइमर बहुत अच्छा काम करता है, बेस का काम करता है, हमारे मेकअप को अच्छे से सेट करता है. तो आप प्राइमर ज़रूर यूज़ कीजिए, फाउंडेशन के पहले प्राइमर यूज़ करना चाहिए. गाइज, मैं आई फेस के साथ आईब्रो पे भी, आई लिड पे भी यूज़ कर ले रही हूँ. इससे फिर हमें अलग से आई का बेस नहीं बनाना पड़ता है, साथ में ही दोनों हो जाता है. जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने अपने फिंगर की हेल्प से अच्छे से इसे मिक्स कर लिया अपने फेस पे, और हाँ, उसी फिंगर की हेल्प से मैं अपने नेक पे भी लगा लूँगी. गाइस, जो भी हम लिक्विड फॉर्मेट में प्रोडक्ट यूज़ करते हैं उसको एक दो मिनट दिया करो, आप सेट हो जाए आपकी इसमें आपकी स्किन पे. नहीं तो आप उसी के ऊपर फटाफट लगाते जाएंगे तो वो क्या होगा, सेट नहीं हो पाएगा. इसलिए एक दो मिनट आप छोड़ दो लगाने के बाद. नाउ गाइस, जो नेक्स्ट स्टेप है मैं वो यूज़ कर रही हूँ, फाउंडेशन. ये हाई कवरेज का है, वाटर प्रूफ है, सेल्स प्रोफेशनल का. जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं इसको अपने हैंड पे लेके अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से आप यूज़ कर सकते हो, या फिर मैं पहले इसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ. आप अपने फेस के सेट के हिसाब से लीजिएगा, क्योंकि फाउंडेशन का बहुत अहम रोल होता है हमारे मेकअप में. अगर आप अलग गलत सेट का यू ले लेते हैं उससे क्या होता है, हमारा मेकअप भी ख़राब हो जाता है और हमारे स्किन का कलर भी डल डल सा दिखता है. तो ये मैं जो ली हूँ अपने फेस के स्किन से मैच करके ली हूँ. यहाँ मेरी मेकअप आर्टिस्ट जो है, इधर आओ, आप फेस दिखाओ बेबी. और हाँ, आप स्मॉल क्वांटिटी में ले लेके पहले लगाइएगा, उसके बाद अगर चाहो तो, अगर आपको कम दिख रहा है तो आप सेकेंड स्टेप में भी फिर से एक बार फाउंडेशन लगा सकते हो. बट बहुत ज़्यादा एक साथ ना लगा के हल्का लेयर लेके आप लगाइएगा. देखो मैं बैठी हूँ. देखो मेरा बेबी भी मेरा मेकअप करता है.
साथ में मैं इसे आई लिड पे लगा रही हूँ तो ये मेरे आई का भी बेस बन जाएगा। एंड नाउ गाइज, ये है मेरे पास ब्यूटी ब्लेंडर जो कि मैंने इसको पानी में डुबाया, और रुक जाओ बेटा, और अच्छे से रुक जाओ, निचोड़ लिया जैसे कि आप देख सकते हैं। अब इसे आप ऐसे, अब दूसरा वाला ले लो, ये लो, आप इसे ऐसे टप टप करके, डब में टप टप करके, मतलब इसको आप अच्छे से, बेटा वैसे नहीं करते, देखो मम्मा कैसे कर रही है, वैसे करो, अच्छे से पूरा मिला लीजिए। फाउंडेशन का बहुत अहम रोल होता है, बिकॉज फाउंडेशन से ही तो हमारा मेकअप अच्छे से निखरता है। अगर आपका फाउंडेशन गलत है सेड तो वो लुक नहीं आएगा। कभी कभी देखते नहीं आपका फेमा मेकअप केकी सा हो जाता है, फट सा जाता है, इसलिए आप टप टप करके लगाइएगा बेटा, नो खराब हो जाएगा। सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं कितना शाइन करने लगा मेरा फेस, एंड कुछ डार्क स्पॉट्स है जैसे कि यहाँ और यहाँ डार्क सर्कल पड़ जाते हैं। इसके लिए जो नेक्स्ट स्टेप है वो है कंसीलर। मेरे पास SD का प्रो कंसीलर है तो इसे मैं लगाऊंगी। सो गाइस, जो कंसीलर भी लगाए हम उसको ब्यूटी ब्लेंडर से लेके ऐसे टप टप कर लेंगे और अच्छे से मिला लेंगे। इसको फैलाना नहीं है, जहाँ पर आपको ज़रूरत है आप वहीं पर लगाएं, नहीं तो फैलाने से क्या होगा, पता नहीं चलेगा ना कि आपने कहाँ पर कैसे लगाया है। ये जो हमारे फेस में डार्क सर्कल हो जाते हैं या फिर डार्क स्पॉट हो जाते हैं उसको हाइड करता है कंसीलर। आप एक सेड या दो सेड हमेशा लाइट ही लीजिएगा अपने फेस के स्किन से। तो गाइज, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने कंसीलर भी अच्छे से मिक्स कर लिया। गाइज, मेकअप करने से पहले आप लिप बम जरूर यूज़ कर लीजिएगा। ये लिप बम लगाने से हमारा लिप जो है वो हाइड्रेट रहता है, और फिर लिप जो हम लिपस्टिक लगाते हैं वो निकल कर आता है। नाउ गाइज, मैं यहाँ पर जो फाउंडेशन और ये कंसीलर लगाया था उसको सेट करने के लिए मैं कॉम्पैक्ट पाउडर से लेके और वो मेकअप वाली ब्रश से लेके अच्छे से पूरा सेट कर दूंगी। अगर आपके पास कॉम्पैक्ट पाउडर नहीं है तो लूज कोई भी लूज पाउडर लेके बस आप अच्छे से सारा मेकअप सेट कर दीजिएगा। उससे क्या होगा, हमारा जो मेकअप हमने यूज़ किया है वो अच्छे से सेट हो जाएगा, जैसे फाउंडेशन कंसीलर सॉरी। कॉम्पैक्ट पाउडर मैं थोड़ा ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ बिकॉज हम अभी आई मेकअप मुझे करना है, तो जो कुछ भी गिरेगा हम उसे अच्छे से सेट कर लेंगे। नाउ गाइज, मैं करती हूँ अब मेरा फेस का मेकअप सारा हो गया, मैं अब करती हूँ आई मेकअप, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। आई मेकअप के लिए मेरा जो बेस है वो फेस के साथ बन गया है, फेस के साथ मैंने आई का भी कर लिया। फिर अब मैं यूज़ कर रही हूँ आई शैडो, ये मेरे पास हुडा ब्यूटी का है जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें बहुत सारे कलर है। और गाइस, नाउ मैं करूँगी आई मेकअप, जो मेरा बेस वगैरह सब रेडी है, एंड मैं जो ड्रेस पहन रही हूँ साड़ी वो रेड कलर की है। तो गाइस, मैं करूँगी सबसे पहले डार्क शेड लेके आइज की जो क्रीज है उसको डिफाइन करूँगी जैसे कि आप देख सकते हैं। एक साथ ही मैं दोनों आईज को करूँगी, नहीं तो फिर बाद बाद में करने से क्या होता है ना, हल्का डिफरेंट हो जाता है। इफ़ आप बिगनर हैं या फिर आप उतना ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हैं, तो मैं कोई मेकअप सीखी नहीं हूँ, बट मुझे जो करते करते आइडियाज़ हो गया है खुद का मेकअप, वो वीडियोज़ वगैरह देख के उस बेस पे मैं कर रही हूँ और आपको वही बता रही हूँ। सो गाइस, जैसे देख सकते हैं आउटर कॉर्नर मेरा फिलअप हो गया है, हल्का सा इससे लाइट लेके मैं उसके बाद करूँगी आई लिड पे। तो दीपावली का मेकअप है ये स्पेशली, तो थोड़ा लाइट वाला करूँगी मैं। बीच में जो सेंटर है आई लिड है उस पर मैं करूँगी ग्रेटर लगाऊँगी रेड कलर का। एंड नाउ गाइस, रेड कलर का ग्रेटर मेरे पास है, चाहो तो आप गोल्डन, एक मिनट में ग्रेटर लगा लेती हूँ। ये ग्रेटर गाइस मैं मीशो से मंगाई थी, बहुत अच्छा है, इसमें जेल भी दिया है और बहुत सारा सेड है जो कि मैं अभी यूज़ भी नहीं की हूँ, आप जाके मंगा सकते हैं, बहुत अच्छा है, इसमें सारे कलर हैं। एक मिनट मैं आपको दिखा रही हूँ, आप खुद देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा।
जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत सारे कलर्स है इसमें। तो यहाँ पर मैं अभी यूज़ करूँगी जो है वो रेड कलर का। गाइस ये जो ग्लिटर आया है वो है, ये जैसे कि आप देख सकते हैं ऐसे है, इसको ग्लिटर ग्लू दिया है, ग्लू के साथ लगाना पड़ेगा। तो मैं पहले ग्लू ओपन करती हूँ और ब्रश में हल्का ग्लू लगाती हूँ उसके ऊपर में, जैसे कि आप देख सकते हैं हल्का ग्लू लगा ली। उसके बाद इसमें मैं ग्लिटर ऐड कर रही हूँ। सो गाइस देख सकते हो आप, ये खुद से इस पर आ गया। फिर मैं इसको अपने आईज़ के ऊपर ईजिली ऐसे लगा लूँ। बहुत अच्छा है और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मिला था, तो गाइस आप जाके ले सकती हैं। किसी भी पार्टी वगैरह मेकअप में आप इजली यूज़ कर सकती हैं। सो गाइस देखो आईज़ पे कितना शाइनिंग आने लगा, पूरा दीपावली वाला पटाखा वाला आईज़ मेकअप हो गया मेरा। अब जो है गाइस ये मेरा आईज़ मेकअप बहुत इजी से हो गया, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर आपको नहीं भी आता तो आप फटाक से ऐसे मेकअप कर सकती हैं। ग्लिटर लगाते ही आईज़ में शाइनिंग आ जाता है और फिर हमारा जो आईज़ मेकअप है वो टोटली कंप्लीट हो जाता है। एंड गाइस जो इनर कॉर्नर है यहाँ पर मैं हल्का गोल्डन शेड दे देती हूँ, तो फिर उससे और ज़्यादा ही, एक सेकेंड, इस ब्रश को साफ करने के बाद मैं हल्का आईज़ के इनर कॉर्नर पे सो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं पूरा कंप्लीट हो गया मेरा आईज़ का मेकअप। और फिर आपको कोई कहेगा भी नहीं कि ये जो मेकअप है आपको आता नहीं। और यहाँ पर मैं हल्का शाइनिंग वाला लगा दे रही हूँ हाइलाइटर इसी आईज़ पैलेट से लेके। इससे क्या होगा, मेरा आईब्रो भी अच्छे से डिफाइन हो जाएगा और फिर जो है मेरा आईज़ का मेकअप भी। जो कलर मैंने यहाँ पर यूज़ किया उसी को मैं नीचे वाले आई लिड भी लगा लूँ, नीचे लगा लूँगी, तो फिर इससे क्या होगा मेरा ऊपर और नीचे दोनों आईब्रो इक्वल हो जाए। तो गाइज मैंने काजल और काजल को ही आईलाइनर लगा लिया। नाउ गाइज मैं थोड़ा सा मास्कारा लगा लेती हूँ क्योंकि मैं फॉल्स आईलैशेस नहीं लगा रही हूँ। फॉल्स आईलैशेस अगर नहीं लगा रही हैं तो आप मस्कारा ज़रूर यूज़ करें। मस्कारा लगाने से हमारा आईलैशेस एकदम अच्छे से निखर के आ जाता है, हमें का ज़रूरत भी नहीं पड़ता है फॉल्स आईलैशेस के लिए। आईब्रो फिल हो गया मेरा एंड जो मेरा मेकअप है ऑलमोस्ट डन है एंड फाइनल टचअप के लिए जैसे कि आप देख सकते हैं। नाउ गाइज मैं यूज़ करूँगी ब्लशर। ब्लशर के लिए मेरा जो कलर है हल्का पिंकिश है, तो मैं इसे हल्का लेते हुए एंड जो इस्टा है आप उसे ऐसे टप टप करके अपने हाथ पे और स्माइल के साथ आप ऐसे अभी जो है ब्लशर हल्का अपवर्ड में लग रहा है तो आप उस तरीके से लगा सकती हैं जैसे कि आप देख सकती हैं। तो गाइज फेस को कंटूर करना भी बहुत ज़रूरी होता है, कंटूर करने से हमारा जो फेस का उसका हर एक फीचर अच्छे से डिफाइन होता है। नाउ गाइज मैं यूज़ कर रही हूँ हाइलाइटर। इसमें बहुत सारे शेड दिए हैं तो मैं हल्का ऊपर वाला यूज़ कर रही हूँ जैसे कि आप देख सकते हैं, क्योंकि जो ब्लशर था मेरा वो पिंकिश शेड में था। अब ये हाइलाइटर है हल्के ब्लशर के ऊपर यूज़ करते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं। हाइलाइटर लगाने से जब हमारी फेस पे लाइट पड़ता है ना तो फेस पूरा हाईलाइट करता है, इसलिए हाइलाइटर लगाना बहुत ज़रूरी होता है, हमारे मेकअप को अच्छे से डिफाइन करता है। और उसी को मैं नोज़ पे लगा ले रही हूँ हाइलाइटर जैसे कि देख सकते, इससे पूरा शार्प दिखेगा हमारा नोज़। आप खुद ही देख सकते होंगे कितना डिफरेंट दिख रहा है हाईलाइटर लगाने से ही। हल्का सा इसे लिप के ऊपर भी मैं लगाऊँगी एंड यहाँ पर, तो फिर जो है लाइट में हमारा
मेकअप बहुत अच्छे से साइन करेगा। एंड नाउ गाइज, इसी में से हाइलाइटर लेके हम आईब्रो के यहाँ पर लगा लेंगे, तो यहाँ पर भी बहुत अच्छे से हाईलाइट होगा हमारा आईब्रो और आई का मेकअप। सो गाइज, ये था मेरा पूरा प्रॉपर मेकअप। नाउ गाइज, जो मैं क्या करूँगी, कॉम्पैक्ट पाउडर लेके इसमें से हल्का सा ऐसे पूरे फेस में लगा लूँगी एक बार, जो एक्स्ट्रा मेकअप है वो मेरा निकल जाएगा। इससे क्या होगा, हमारा मेकअप केकी सा नहीं होगा और बहुत अच्छा काफ़ी टाइम तक पड़ा रहेगा मेरा मेकअप। अब जो नाउ नेक्स्ट स्टेप है वो मैं करूँगी आई लिप का। लिप के लिए मैं आज यूज़ करूँगी रेड लिपस्टिक लगाती हूँ, क्योंकि रेड साड़ी है ना, तो रेड साइन करेगा। सो गाइज, ये है मेरा फाइनल लुक, जैसे कि आप देख सकते हैं। बट अभी सोना सोना लग रहा है बिकॉज मैंने बिंदी नहीं लगाया। फिर मैं आपको बिंदी लगा के फिर मिलती हूँ। सो गाइज, ये मेरा बिंदी भी लग गया एंड सिंदूर भी मैंने लगा लिया। तो पूरा ये मेरा मेकअप एक्सप्रे से मैं थोड़ा सेट कर दे रही हूँ अपने मेकअप को, जैसे कि आप देख सकते हैं कितना शाइन और कितना सुंदर लग रहा है मेकअप। सो गाइज, ये मेरा मेकअप कैसा लगा आपको जरूर लाइक से कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड प्लीज़ गाइज, अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो बिना सब्सक्राइब का मत जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय।